हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एमबीडी यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ गुड सेफ सीबी टेबलेट की, जिसकी अगर मैं कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ तो उसमें होता है सेफाप्रोक्सिम 200 mg और क्लेवलिनिक एसिड 125 mg। सेफाप्रोक्सिम एक बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसकी क्लास होती है थर्ड जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन। सेफाप्रोक्सिम बीटा लैक्टिमेज एंजाइम को प्रभावित नहीं करता है। अगर मैं क्लेवलिनिक एसिड की बात करता हूँ तो बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर मेडिसिन होती है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इस मेडिसिन के यूज़ की। इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है गले के सूजन में, टोंसिल में, बच्चों में होने वाली खांसी, जुखाम, नज़ले में, ओटिटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया। इसका मतलब जो होता है, ओटिटिस या ओटाइटिस का मतलब जो होता है वो कान का बहना, यानी किसी बच्चे या बड़े का कान का बहना ओटिटिस मीडिया कहलाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि इसकी अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना। आरटीआई इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाना। सांस की नली का इन्फेक्शन क्या है, वो अपर हो या लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसकी डोज की। एडल्ट 200 mg सुबह और 200 mg शाम, यानी कि बीडी हम 200 mg पर डे दे सकते हैं। अगर चिल्ड्रन की डोज की बात अगर हम करते हैं तो बच्चों में 8 mg पर केजी दिन में दो विभाजित मात्राओं में। मैं बात करता हूँ इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की, यानी गुड सेफ सीबी टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। नोसिया, वोमिटिंग, स्किन रेसिस, शरीर पर लाल चकते हो जाना, खुजली हो जाना, कब्ज हो जाना और कभी कभी आँखों में जलन भी हो जाती है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, गुड सेफ सीबी यानी कि सेफाप्रोक्सिम साल्ट और क्लेवलिनिक एसिड साल्ट किन किन मेडिसिन से इंट्रैक्शन करता है। गुड सेफ सीबी जो इंट्रैक्स टैबलेट जो इंट्रैक्शन करती है, यानी कि सेफाप्रोक्सिम साल्ट जो इंट्रैक्शन करता है, वो इंट्रैक्शन करता है फ्रूसेमाइड से, क्लोरामफेनिकोल से, एल्कोहल से, एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन से। एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन जो होती हैं जेंटामाइसिन और एमिकसिन और वॉरफेरिन से यह इंट्रैक्शन करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। याद रखिएगा, अगर आपको लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। याद रखिएगा, इस टैबलेट का यूज केवल 12 घंटे के अंतराल में ही करना होता है। यदि आपको सुबह 8 बजे टैबलेट ली तो दूसरी टैबलेट खुराक डोज आपको लेनी रात के 8 बजे। और याद रखिएगा, इसका प्रभाव 1 घंटे के बाद शुरू होता है और हमारे शरीर में 24 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। दोस्तों, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई है तो हमारी वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा।